Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. Do you remember some years ago when swapping batteries in smartphone was something very simple? All you needed to do was remove the back cover, remove the battery and replace it with a new one. अभी के टाइम पे कोई भी स्मार्टफोन पे बैटरी रिमूव करने के लिए कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है और इसके पीछे जो मेन कारण है कि यहाँ पे कुछ की फीचर को स्मार्टफोन पे दिया जा रहा है जो बैटरी रिमूव अगर किया जाएगा तो इसके कारण वो सारे फीचर स्मार्टफोन पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी स्मार्टफोन कंपनी उसकी बजट, मिड रेंज और प्रीमियम सीरीज की सभी स्मार्टफोन से बैटरी रिमूव करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं देता है, जो अभी के टाइम पे स्मार्टफोन पे एक डाउनग्रेड भी है। अभी आप अगर स्मार्टफोन से बैटरी को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको काफी सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, इसके बाद ही आप स्मार्टफोन से बैटरी को रिमूव कर पाएंगे, जो पहले आपको किसी भी कंपनी की स्मार्टफोन पे देखने को नहीं मिलता था। रिपोर्ट के हिसाब से सैमसंग उसकी स्मार्टफोन पे रिमूवेबल बैटरी को देना चाहता है, जो सैमसंग के साथ साथ सभी स्मार्टफोन कंपनियों को ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स जारी हुआ है जिसके कारण ये चीज आपको देखने को मिलेगा। प्लस स्मार्टफोन की बैटरी धीरे धीरे बहुत ही खराब हो जाता है और फोन की परफॉर्मेंस में भी इसकी बहुत बड़ी इफेक्ट होता है, और इसके कारण इसे सही करने के लिए सभी स्मार्टफोन कंपनियों को उसकी स्मार्टफोन की बैटरी रिमूव करने के लिए ऑप्शन देना पड़ेगा, जिसके कारण स्मार्टफोन यूजर उसकी स्मार्टफोन की बैटरी को रिमूव कर पाएगा ताकि वो फोन की बैटरी और फोन की परफॉर्मेंस में थोड़ा इम्प्रूव ला सके। दैट्स व्हाई द यूरोपियन यूनियन हैज डिसाइडेड दैट एवरी स्मार्टफोन मेकर वुड हैव टू एंश्योर दैट एवरी डिवाइस ऑन द मार्केट हैज ए यूजर रिमूवेबल बैटरी। यूरोपियन यूनियन का ये नोटिस के कारण सभी स्मार्टफोन कंपनियों को रिमूवेबल बैटरी के ऑप्शन देना पड़ेगा, इसके कारण स्मार्टफोन को फिर से रीडिजाइन भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फोन का बैटरी को इजीली अवेलेबल भी करवाना पड़ेगा ताकि यूजर उसके हिसाब से और फोन की परफॉर्मेंस के हिसाब से बैटरी को रिमूव और रिप्लेस कर सके। बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट व्हिच इज गुड एट ऑल। इसके कारण स्मार्टफोन पे कुछ की फीचर मिसिंग होगा, जो अगर बैटरी रिमूव किया जाएगा तो इसके साथ वो सभी फीचर भी नहीं दिया जाएगा। स्मार्टफोन पे जो यूजर फ्रेंडली आईपी रेटिंग होती है, जो फोन को प्रोटेक्ट करती है वाटर डैमेज या फिर किसी भी तरीके की नॉर्मल डैमेज से, और ये फोन की जो स्लिम डिजाइन आप देख पाते हैं, ये भी आपको स्मार्टफोन पे धीरे धीरे देखने को नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके। तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। पीस आउट।